हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो हमने टॉपिक लिया देखिए वो है प्रीपोजिशंस। बहुत से एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, स्कूल लेवल, हायर लेवल, हर जगह ये पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, आपको इस तरह से टॉपिक क्लियर कराया जाएगा कि इसको पढ़ने के बाद शायद ही आप प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कभी गलत कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं ये प्री और पोजिशन। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक आखिर है क्या। तो देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब ये ऐसे शब्द, प्री यानी पहले, पोजिशन किसी भी पोजिशन से जो पहले लगते हैं। दैट मीन्स अभी हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन से पहले लगते हैं, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बताते हैं। तो प्रीपोजिशंस की तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं कि प्रीपोजिशंस किस किस जगह पे और कैसे कैसे लगते हैं। तो नॉर्मली प्रीपोजिशन देखिए तीन टाइप से होते हैं आपके पास। फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, हम नेक्स्ट में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन तरह से हम प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। अगर आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस पे जाते हैं तो देखिए मैंने ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिनसे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल सकती है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में काफ़ी मैचेबल हैं। देखिए जैसे हम मैंने तीन प्रीपोजिशन वर्ड लिए हैं, अबव, ओवर और ऑन। अब इनका यूज़ क्या है, देखिए सबसे पहले ऑन। ऑन वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके टच में है। जैसे अगर हमने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर जो बुक है वो टेबल की क्या है, टच पे है, तो हमने ऑन वर्ड यूज किया। क्लियर हुई बात? जब भी ये टच में है, अगर कोई चीज हमें ऊपर में दिखानी है कि कोई चीज ऊपर रखी हुई है और टच में है, तो हम ऑन यूज करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर? अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं, जैसे अगर आप कमरे में बैठे हैं तो देखिए आपके सिर के ऊपर क्या है, आपके सिर के ऊपर आपको फैन दिखाई देगा, लेकिन वो टच में नहीं है, तो उसके लिए आप ओवर वर्ड यूज करेंगे, अ फैन इज ओवर माय हेड। ये टच में नहीं है लेकिन ऑन से ऊपर है। लेकिन अगर आपके सिर के ऊपर अगर आप देखेंगे और भी ज्यादा तो क्या दिखाई देता है, द स्काई इज अबव माई हेड, जो आसमान है वो आपके सिर के ऊपर है। तो ये अगर सबसे हायर पोजीशन अगर मुझे दिखानी है, सबसे ऊंचाई की कोई चीज दिखानी है, तो मैं अबव यूज करूंगा, टच में है तो ऑन यूज करूंगा, और इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं ओवर वर्ड यूज करूंगा। इनका देखिए, इन जो है वो अगर हमारे पास कोई फिक्स जगह नहीं है और अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना है किसी प्रीपोजिशन से, तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में कहाँ रह रहा है, कोई फिक्स जगह नहीं है, तो इसलिए हमने इन यूज किया। और अगर हमारे पास फिक्स जगह है कि भाई वो पर्टिकुलर कहाँ रह रहा है, तो हम एट यूज करते हैं। जैसे देखिए, अगर देखिए मैंने इसमें हिंदी के लिए भी आपको हिंदी में भी मेंशन कर दिए ताकि आप लोगों के लिए इजी गोइंग हो जाए। तो एट का देखिए फिक्स जगह बताता है, जैसे ही इज एट होम, कहाँ है वो, घर पे, तो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स हो गई ना। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों ग्रुप में इसीलिए हैं क्योंकि इन कोई फिक्स जगह नहीं बताता, जबकि एट का हम यूज करते हैं फिक्स जगह बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट ग्रुप में अंडर और बिलो। अंडर मतलब किसी भी सरफेस के नीचे, जैसे देखिए द कैट इज अंडर द चेयर, मतलब ये चेयर के नीचे है और टच में नहीं है, इसलिए हमने अंडर यूज किया। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, कि वो टेबल के नीचे है और टच में नहीं है, इसलिए हमने अंडर यूज किया। और अगर अंडर से भी नीचे की तरफ आपको कोई चीज दिखानी है तो वहां पर हम बिलो यूज करते हैं। देखिए हमने लिखा है अंडर से थोड़ा और नीचे की तरफ अगर आपको दिखाना है तो आप क्या यूज करेंगे, बिलो। जैसे प्लीज डोंट राइट बिलो दीज लाइंस, कि आपको इन लाइन से नीचे नहीं लिखना है। तो ये हो गया अंडर और बिलो के यूजेस में। अब हमारे देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, बाय और बिसाइड्स। बाय दिखाता है किसी भी चीज को अगर आपको पास में दिखाना है, नियरर दिखाना है, तो आप बाय को यूज करेंगे। जैसे ही हैज अ हाउस बाय द रिवर, उसका घर कहाँ है, रिवर के पास में, तो इसलिए हमने बाय का यूज किया। तो बाय का यूज कहाँ पे दिखाएंगे हम, जब भी हमें किसी के नियरर कोई चीज दिखानी है, पास में कोई चीज दिखानी है। और बिसाइड
बिसाइड अगर हमें किसी को साइड में दिखाना है, जैसे देखिए ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, कि वो कहां खड़ा है, शॉप की साइड में, तो हमने बिसाइड यूज किया। तो बिसाइड कहां हो गया, किसी भी सब्जेक्ट के अगर वो साइड में खड़ा है तो हम बिसाइड वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं ये। कैसे, वो देखिए, बिहाइंड का है जैसे पीछे की तरफ अगर आपको कोई चीज दिखानी है तो आप क्या यूज करते हैं, बिहाइंड। जैसे आई हैव अ पार्क बिहाइंड माई हाउस, पार्क कहाँ है, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के बिल्कुल पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ के लिए हमने क्या यूज किया, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल मेरे घर के सामने, बिल्कुल फेसिंग करता हुआ अगर कोई चीज है, बिहाइंड मतलब पीछे, तो इन फ्रंट ऑफ आगे, सिंपल। देखिए, आई हैव अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कहां पर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो ये हो गया बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन और अमोंग, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर दो जनों या किसी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर आपको किसी को दिखाना है तो बिटवीन यूज करेंगे। जैसे दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में, लाइक टू पर्सन्स और टू थिंग्स के बीच में अगर आपको दिखाना है तो आप बिटवीन यूज करेंगे। जैसे राहुल इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो यहाँ पर राम और श्याम के बीच में कौन बैठा हुआ है, राहुल, ठीक है ना, तो दो जनों के बीच में है, टू पर्सन्स के बीच में है, इसलिए बिटवीन यूज हुआ। लेकिन अगर मोर देन टू पर्सन्स हैं, दो से ज्यादा हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, अमोंग। जैसे देखिए, राहुल इज सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में राहुल है, इसलिए हमने क्या यूज किया, अमोंग। तो बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स के बीच, और अमोंग मैनी पर्सन्स और मैनी थिंग्स के बीच में यूज में होगा। ये हमने देखे थे प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट अब हम आएंगे देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस के लिए। अब जब आप प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस देखेंगे तो उसमें देखिए, हमने इसमें भी मैंने ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे टू, टू क्या दिखाता है, किसी भी प्लेस की तरफ अगर मोशन हो रहा है, मतलब अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं और जिधर आप जा रहे हैं उधर की तरफ ही अगर मोशन हो रहा है, गति हो रही है आपकी, जैसे वी आर गोइंग टू जयपुर, हम कहां जा रहे हैं, जयपुर की तरफ, तो इसलिए हमने टू लगाया, समझ गए। फ्रॉम जगह या कोई भी प्लेस जहां से ये मोशन शुरू हो रहा है, मतलब टू ने तो दिखाया कि कहां जा रहे हैं, और फ्रॉम दिखाता है कहां से हमने शुरुआत की है, तो शुरुआत कहां से हुई, देखिए वी केम फ्रॉम जयपुर, हम कहां से आ रहे हैं भाई, जयपुर से, तो शुरुआत कहां से हुई है आपकी, वो फ्रॉम से इंडिकेट करेंगे, और एंड किधर की तरफ हो रहा है, तो टू से खत्म करेंगे। तो ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया टू और फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए इनटू और आउट ऑफ। इनटू, जब आप किसी सब्जेक्ट को, जो मान लीजिए जैसे आपने घर के अंदर जाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, घर, तो अगर आप उसके अंदर की तरफ मोशन कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो आप इनटू यूज करेंगे। जैसे देखिए ही केम इनटू द हाउस, वो कहां आया, घर के अंदर आया, तो इसलिए ही केम इनटू द हाउस। और आउट ऑफ, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इनटू का ऑपोजिट होता है, और ये बाहर की तरफ मोशन दिखाता है, जैसे गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकल जाइए। तो इनटू का मतलब अंदर की तरफ आना, आउट ऑफ का मतलब बाहर की तरफ निकलना। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मैंने थ्री को एक ग्रुप में डाला है, देखिए क्या क्या है। तो थ्रो, थ्रो का मतलब होता है जब भी मोशन जो है ना किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल मिडल में हो, जैसे आप जंगल के बीचों बीच से आ रहे हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच से आ रहे हैं, तो आप थ्रो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दे केम थ्रो अ फॉरेस्ट, वो कहां से आए हैं, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से आए हैं, तो हमने थ्रो वर्ड यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट अक्रॉस, अक्रॉस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें दूसरी तरफ जाने के लिए मोशन दिखाना हो, जैसे आप रोड के एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। जैसे देखिए ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो रोड के एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, तो क्या वर्ड यूज हो गया, अक्रॉस, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है वो है टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ,
अगर हिंदी में हम देखें, या मोशन इन द डायरेक्शन, मतलब जिधर आप जा रहे हैं अगर उसी साइड अगर मोशन हो रहा है तब आप टूवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे ही वॉक टूवर्ड्स द कार, मतलब उसको कार की तरफ ही जाना है तो उसका मोशन किधर हो गया, ही वॉक टूवर्ड्स द कार, वो किधर मूव हो रहा है, कार की तरफ, तो इसलिए क्या आया, ही वॉक टूवर्ड्स द कार। टूवर्ड्स का मतलब जिधर की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, अगर उधर की तरफ ही आपका मोशन हो रहा है तो टूवर्ड्स द कार। एक बार रिपीट, थ्रो, अगर हमारा मोशन, हमारा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बीचों बीच हो रहा है, जैसे हम जंगल के बीचों बीच से जा रहे थे तो थ्रो। अक्रॉस, जब भी हमें रोड को क्रॉस करना है या किसी भी सब्जेक्ट की एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो अक्रॉस। और टूवर्ड्स, जिधर हमें जाना है अगर उधर ही हमारा मूवमेंट हो रहा है तो टूवर्ड्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये 3 प्रीपोजिशंस आ गए आपके डायरेक्शंस के। नेक्स्ट देखिए, 2 और हैं इसमें, अप एंड डाउन। अप, अगर आप ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसके लिए वर्ड अप यूज होता है। जैसे देखिए, ऊपर की तरफ अगर मोशन कर रहे हैं या किसी हायर प्लेसेस की तरफ कर रहे हैं, जैसे वी आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स, कहां पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन के ऊपर की तरफ ना, इसलिए अप आया। लेकिन जब आप माउंटेन से उतरेंगे तो डाउन में चले गए तो वहां पे डाउन यूज होगा। अपोजिट होता है किसका, अप का, और ये मूवमेंट किधर दिखाता है, नीचे की तरफ। जैसे वी आर वॉकिंग डाउन द हिल्स, हम किधर मूव कर रहे हैं, हिल्स के नीचे की तरफ। तो अप यानी ऊपर की तरफ मोशन, डाउन यानी नीचे की तरफ मोशन। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हम यूज कर रहे हैं। पहला हमने देखा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, देन देखा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब हम कौन से ऐसे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जिनको टाइम के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने जो पहला ग्रुप बनाया है वो है ऑन, एट और इन का। ऑन का हम यूज कहां करेंगे, कोई भी अगर आपके पास फिक्स डेट है या डे है, मतलब अगर आपके पास कोई तारीख पहले से फिक्स है या कोई दिन अगर किसी काम के लिए पहले से फिक्स है तो आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ मीटिंग ऑन 5 नवंबर, मेरी मीटिंग कब है, 5 नवंबर को, तो मुझे पहले से ये डेट फिक्स हो गई ना 5 नवंबर की, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑन। ऐसे आई विल मीट हर ऑन संडे, मैं कब मिलूंगा उससे, संडे को, तो ये भी फिक्स है तो इसलिए यहां पर भी क्या आ गया, ऑन। तो जब भी मेरे पास डेट या डे फिक्स होगा तो मैं ऑन यूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास टाइम फिक्स है, टाइम, तब मैं एट यूज करूंगा। जैसे द फिल्म स्टार्ट एट 7 PM, फिल्म कब स्टार्ट होगी, 7 PM पे, टाइम फिक्स है ना, तो एट यूज करना है। ऐसे ही द शॉप ओपन्स एट 9 AM, शॉप कब स्टार्ट होगी, कब ओपन होगी, 9 बजे, फिक्स टाइम है तो एट। तो अगर आपके पास फिक्स टाइम है तो एट यूज करना है, फिक्स डेट और डे है तो ऑन यूज करना है। और अगर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ना डेट फिक्स है, ना टाइम फिक्स है, ना मंथ फिक्स है, तब आप क्या यूज करते हैं, इन। जैसे देखिए, आई लव प्लेइंग फुटबॉल इन समर, मुझे फुटबॉल खेलना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिक्स नहीं है ना ये, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, इन। ऐसे ही अगर और भी आपके पास डेट या टाइम फिक्स नहीं है तो वहां पर आप इन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन 6 days, दिख रहे हैं, इन 2 years, इन द इवनिंग। जब भी आपके पास टाइम फिक्स नहीं हो, डेट फिक्स नहीं हो, डे फिक्स नहीं हो, तो इन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट हम आता है हमारे पास देखिए, सिंस और फ्रॉम टू। तो सिंस का यूज जब आप करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिंस जो होता है इसकी शुरुआत हमेशा पास्ट में होती है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत तो पास्ट को दिखा रहा हो लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे राम इन द विलेज, राम कहाँ है, गांव में, सिंस मंडे, कब से है, मंडे से। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि पास्ट में गया ना वो, सिंस मंडे मतलब पास्ट में है लेकिन अभी भी गांव में ही है, इसीलिए सिंस वर्ड आया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिंस में की हमेशा इस वर्ड को, इस प्रीपोजिशन वर्ड को तब लगाना है जब कोई भी सेंटेंस जो है वो भूतकाल, मतलब पास्ट में शुरू हो चुका हो लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहा हो। जैसे और देखिए एक एग्जांपल, सीता एंड रीता हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, कब से फ्रेंड है, बचपन से ना, तो शुरुआत तो पास्ट में हो गई उनके फ्रेंडशिप की लेकिन अभी भी प्रेजेंट में वो फ्रेंड्स हैं, इसीलिए क्या यूज हुआ, सिंस। नेक्स्ट है देखिए, फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू में बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको शुरुआत
का जब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग का टाइम गिवन हो और लास्ट का टाइम गिवन हो, तब आप फ्रॉम और टू यूज करेंगे। जैसे आई वर्क देयर फ्रॉम 2015 टू 2020, मैं वहां पे कब से काम कर रहा हूँ, 2015 से 2020 तक। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग डेट हो गई जब मैंने काम स्टार्ट किया 2015, और एंडिंग डेट क्या है 2020। तो जब भी मेरे पास स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट होगी तो मैं यूज करूंगा फ्रॉम टू। आई वर्क देयर फ्रॉम कब से, 2015 टू 2020। सेम देखिए, आई विल स्टे देयर, मैं वहां पे रुका कब, फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। तो 10 AM तो मेरा स्टार्टिंग टाइम हो गया और 6 PM मेरा एंडिंग टाइम हो गया। तो जब भी आपके पास स्टार्टिंग टाइम हो और एंडिंग टाइम हो, तब आप फ्रॉम और टू यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अंटिल। अंटिल देखिए किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है। जैसे दे विल नॉट रिटर्न अंटिल संडे, वो कब तक नहीं आने वाले हैं, संडे तक। तो जो भी ये संडे है ये उस पॉइंट को दिखा रहा है, और इसको इंडिकेट करने के लिए हमने क्या लिया है, अंटिल। तो जब भी हमारे पास किसी भी पॉइंट को, किसी भी सब्जेक्ट को इंडिकेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, अंटिल वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट है फोर। सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है, मैंने सिंस में अभी आपको रिवाइज कराया था कि वो पास्ट में स्टार्ट होगा और प्रेजेंट तक कंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट देखिए फोर। फोर का यूज कहाँ होता है, ये किसी भी एक निश्चित समय को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में इंडिकेट करने के काम आता है। जैसे ही लिव्ड देयर फॉर अ ईयर, वो वहां पर एक साल से रह रहा है, तो ये एक फिक्स टाइम को दिखा रहा है ना पास्ट में उसके, इसीलिए आया। आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 5 months, मैं वहां पर रुकूंगा 5 months के लिए, फ्यूचर में दिखा रहा है। तो जब भी आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में एक फिक्स टाइम को दिखाना हो, एक निश्चित समय को दिखाना हो, तो आप फोर का यूज करेंगे। जैसे देखिए ये लिव्ड देयर फॉर अ ईयर, ये पास्ट में दिखा रहा था, और ये स्टेइंग देयर फॉर 5 months, ये इसके फ्यूचर को दिखा रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए बिफोर आफ्टर और ड्यूरिंग, ये एक में ही आएंगे। बिफोर यानी पहले, जैसे आप सभी, ये तो बहुत सिंपल सा है। देखिए बिफोर यानी किसी भी इवेंट को अगर हमें पहले दिखाना है, जैसे आई वॉन्ट टू लीव बिफोर डिनर, मुझे डिनर से पहले जाना है। सेम आफ्टर, बाद में, जैसे आई वॉन्ट टू लीव आफ्टर डिनर, अगर मुझे डिनर के बाद में जाना है, अगर बाद में जाना है तो आफ्टर, अब बिफोर यानी पहले जाना है तो बिफोर वर्ड यूज करेंगे। और ड्यूरिंग मतलब किसी के बीच में या किसी के दौरान, जैसे अगर हमें किसी के मिड की कोई चीज दिखानी है, बीच में, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के बीच में क्या करना है। जैसे देखिए राम वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द फिल्म, मतलब फिल्म चल रही है उसी के बीच में वो क्या कर गया, सो गया, तो बीच में दिखाना था इसलिए ड्यूरिंग वर्ड यूज किया। सेम देखिए दे डोंट टॉक ड्यूरिंग डिनर, वो खाना खाते टाइम बात नहीं करते हैं, तो खाना खाते टाइम की बात हो रही है ना, तो इसलिए ड्यूरिंग, कि खाना खाने के बीच में वो बात नहीं करते। तो जब भी आपको बीच में किसी सिचुएशन को टाइम में दिखाना हो प्रीपोजिशन में, तो आप क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग। नेक्स्ट देखिए बाय। ये बाय वर्ड जो है, देखिए हमने जब हमने देखा था आप ऐसे पहले प्रीपोजिशन में, तो किसको दिखा रहा था, नियरर, किसी के पास के लिए। ये यहां पर जब हम टाइम के लिए यूज करेंगे तो ये आगे की कंडीशंस के लिए दिखाता है, कि किसी भी चीज को अगर आपको एक्सटेंड करना है या आगे की तरफ लेके जाना है। जैसे देखिए आई विल कंप्लीट द सिलेबस बाय संडे, मैं कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, संडे तक। तो ये मैंने उसको, इन्होंने क्या दिया, देखिए कंप्लीट द सिलेबस बाय संडे, तो ये एक्सटेंड करना है ना, चीजों को आगे बता रहा है कि मैं संडे तक कर लूंगा, इसीलिए बाय लगा, क्योंकि आगे की कंडीशन बता रहा है। तो जब भी आप आगे के लिए किसी चीज को दिखाते हैं तो बाय यूज करेंगे। सेम देखिए आई विल सबमिट द लिस्ट बाय 11 AM, मैं 11 बजे तक सबमिट कर दूंगा लिस्ट को। अभी नहीं कर रहा हूं ना, 11 बजे तक कर रहा हूं, तो मैंने टाइम को बढ़ा दिया, तो आगे के लिए जब मैंने टाइम लिया तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, बाय। तो ये आपके थे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी लेवल पे आए, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको मैं कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड यही प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साथ ही साथ मेरे आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, नो डाउट, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं लिंक में आपको टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स की लिंक्स भी डाल रहा हूं, जो मैंने बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे पहले से ही डाल रखे हैं, और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कितना ही बड़े लेवल का एग्जाम
एग्जाम हो, ये जो मैंने रूल्स, ये जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतने इजी वे में हैं, अगर आप इनको सही से पढ़ते हैं तो नो डाउट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।